मैं क्या बताऊं, कहने के लिए शब्द नहीं है। जब हमने शुरुआत की थी इस एक सपने की, बायलमोस को हमने एक प्लान किया था, तो कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है। परसों तक हमें एक्चुअली लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन थैंक गॉड कि हमारे पास इतने इतने बढ़िया आर्टिस्ट और इतने लोगों का प्यार हमें मिला है हर तरफ से, पूरी इंडिया से। कितने सारे डांस और कितने सारे कंपनीज ने हमें सपोर्ट किया है। मुझे पहले लग रहा था ये कि खाली इंटरनेशनल होने वाला है, लेकिन हमारे पास इंडियन टैलेंट भी इतना अच्छा आया है। और मुझे इस बात की बड़ी अच्छी खुशी है कि हमारे प्रोडक्शन टीम, हमारे आर्टिस्टिक टीम, हमारे पार्टिसिपेंट्स सब ने कल की ओपनिंग नाइट को ऐसा एकदम अमेजिंग बनाया है कि ये एक्चुअली लग रहा था हमें कि एक्चुअली गाला नाइट है। Yes, तो यकीन नहीं हो रहा था कि एक्चुअली ओपनिंग नाइट है। लोग एक तरीके से दीवाने हो गए थे और मैं तो अपने मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। जैसे लोग हमें आकर कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, हमें लग रहा था अच्छा जी आज क्या होगा। तो आज का दिन चालू हुआ और सुबह से यहाँ पर इतनी रौनक है, इतनी मतलब इतना एनर्जी है लोगों के अंदर कि मतलब यकीन नहीं हो रहा है। और अब आज हमारा रेड कार्पेट नाइट है एंड आज तो मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होने वाला है। हमने प्लानिंग बहुत अच्छी की है और मेरे ख्याल से जो लोग देखने के लिए भी आ रहे हैं, बोलना चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बायलमोस को सपोर्ट किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत अच्छा समय मिलेगा यहाँ पर जब आप लोग आकर शोज देखेंगे। कल भी आइए और होपफुली हम बायलमोस बार बार करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आई अग्री, हम सोच रहे थे क्योंकि हमने इतनी अवेयरनेस भी नहीं फैलाई थी, हमने इतना मीडिया नहीं किया था, तो हमें तो लग रहा था कि कैसे होगा और कैसे लोग आएंगे, बट बाय वर्ड ऑफ माउथ इतने ज़्यादा लोग आ गए, हम इतने ज़्यादा ओवरवेल्म थे। और कल की रात बहुत बहुत बड़ी रात थी और आज तो उससे भी बड़ी रात है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। जैसा कि नीरज ने कहा कि हम सबके बहुत शुक्रगुजार हैं, हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं सबके लिए जिन्होंने भी हमें सपोर्ट किया और जितने भी लोग आज यहाँ पर आए हैं और जो शोज़ देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। इंडिया में यू गेट ऑल काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, आई अग्री, एक्सेप्ट फॉर यू नो फ्यू, एंड दिस इज़ यू नो वन ऑफ दोज फ्यू एंटरटेनमेंट्स। ये उनमें से कुछ है जो इंडिया में मोस्टली देखने को नहीं मिलता है। आपके पास सिनेमा होता है, आपके पास प्लेज होते हैं, आप जाके कुछ थोड़ा बहुत डांस का देख पाते हो, पर एक म्यूजिकल का जो कॉन्सेप्ट है या स्पेक्टेकुलर जो डांस शोज आपको यूजली अब्रॉड जाके देखने को मिलते हैं, तो वो इंडिया में थोड़ा कम देखने को मिलता है। सो दैट वे ऑल्सो आई एम वेरी समथिंग न्यू, एंड एवरी नाइट यू नो ईच एंड एवरी पर्सन हु कम्स हियर गेट्स टू सी समथिंग न्यू इन स्पेक्टेकुलर, एंड दैट्स वंडरफुल। वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। नेहा और मेरे दोनों की तरफ से मैं टेरेंस को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमें एक बहुत अच्छा दोस्त मिला है। True. ये बहुत अच्छा लगा हमें पिछले 5-6 महीने टेरेंस के साथ जो समय हमने बिताया, कि वो एक सुपरस्टार तो हैं ही, लेकिन दिल के कितने जेंटल और कितने सिंपैथेटिक इंसान भी हैं। बहुत बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ काम करने में। मैंने अपना जो भी करियर अब्रॉड में बनाया है डांस के लाइन के अंदर, टेरेंस ने तो यहाँ पर ऑब्वियसली पूरे इंडिया का मन जीत लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। ही डिज़र्व्स एवरी मोमेंट ऑफ इट। मैं बस यही बोलूँगा कि उसके जन्मदिन पर हम बहुत हैप्पी हैं कि उनका जन्मदिन बायलमोस के दौरान पड़ा और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपना जन्मदिन यहाँ सेलिब्रेट करना चाहते हैं हमारे साथ में। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं आज रात को ये जन्मदिन उनका साथ में सेलिब्रेट करने में। और ये डांस फेस्टिवल है और क्या तरीका हो सकता है टेरेंस को सबसे ज़्यादा इन्जॉय करने का। उनको डांस मिल रहा है और हमें टेरेंस के का साथ मिल रहा है। वी कांट आस्क फॉर एनीथिंग मोर। एग्जैक्टली। नहीं, मैं बिल्कुल परफॉर्म नहीं करने वाली हूँ, मैं मज़े से बैठ के बस देखने वाली हूँ शोज़। मैं हमेशा वही करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, इसलिए मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ जब डांस फेस्टिवल लोग सुनते हैं वो घबरा जाते हैं, अरे यार हमें तो डांस नहीं आता। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि मेरे को भी डांस नहीं आता, पर ये फेस्टिवल एक नॉन डांसर के लिए भी बहुत बढ़िया फेस्टिवल है। आप आके इन्जॉय कर सकते हो, बिगनर्स क्लास ले सकते हो, मज़े से बैठ के शोज़ देख सकते हो, और बहुत ही बढ़िया शोज़ होते हैं, एक के बाद एक जो शोज़ आते हैं इतने बढ़िया होते हैं कि
literally rongte khade ho jate hain. So I am just going to enjoy that. And of course, Neeraj is performing today, so I am going to hoot for him. I fell in love with him seeing him dance, and so I can't wait to see him perform today. नहीं वो एक सरप्राइज है मत वो करना एक सरप्राइज है आइए आप हमारे साथ और वहाँ पर आप स्टेज पे देखिए ओके I have a lot of love for dance, and that's the reason why I did Jhalak when the opportunity came to me. And this event is organized by a very close and a dear friend of mine, Neha. So I'm here to support her and also see the different international forms of dancing which I have not got a chance to see personally. I'm really very excited to be a part of this event, and I'm looking forward. I just can't wait to go inside. Neha is a very dear friend of mine, and I was very, very excited for Pilomos, and I have never seen so many different forms of dances, one platform, one night, for one festival. So I'm really hoping to see a lot of different kind of art things today. And I have been dancing since I was two, on my father's tunes, literally. So I'm just really excited, and I'm just hoping that it starts soon and we just get to have fun. मैं तो आज डुअल काम कर रही हूँ. आज मैं काम भी कर रही हूँ, वॉलंटियर वर्क यहाँ पे, एंड इनकी हेल्प कर रही हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे बहुत सारे दोस्तों की मैं देखभाल करने वाली हूँ आज. सो एंड नेहा एंड नीरज को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ. एंड बायलमोज मतलब जब से आई थिंक ये लोग ने आई मीन दे डिसाइडेड टू डू इट इन मुंबई, तब से मैं इनके मुंह से सुनी रही हूँ बायलमोज का. तो आई थिंक फाइनली आज वो लकी डे आ गया. आई थिंक एक साल से ये लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर. एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्लान टू गेट सो मेनी इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑन वन डे, या गेट देम टू इन इंडिया एंड मेक देम कंफर्टेबल एंड दे आर शोकेसिंग देयर टैलेंट. इट टेक्स ह्यूज डील ऑफ एफर्ट टू गेट ऑल दिस डन. Hats off to Neha and Neeraj, जिन्होंने अकेले ये सब मतलब उन्होंने अपने आप पुल ऑफ किया. फर्स्ट टाइम इन मुंबई बायलमोस हो रहा है. इट्स वेरी पॉपुलर इन दिल्ली एंड गोवा. तो अभी फर्स्ट टाइम मुंबई में, एंड इतना सुपर्ब रिस्पॉन्स मिला है, इतने सारे वॉक इन्स एंड इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. वी वेरी एक्साइटेड. थैंक यू गाइस. थैंक यू. Everything is just incomplete without dance and music in life. Aaj is platform pe people are there across the globe, and it's a unique, fantastic initiative. And I really wish such causes come forward in much better way and a bigger way in the years to come also. They are those supreme masters of the subject. Talking about them is like hitting around the bush. They are those stalwarts who are absolutely to the core in what the industry is all about. And trust me, in the years to come, you will still see much, much more things to really follow. Anand ji, Neeraj ke liye kya kehna chahenge jo initiative unhone liye?
I just said that it's a great initiative, and I really wish they do wonders in the years to come. And if at all, if I can be of any assistance, yes, it will be a privilege to be associated with them. Thank you so much. You guys have a swag, okay? We also have a swag, if you don't. I will. The next swag. Do it! Listen, I'm black. We'll be right back.